जनपद संभल के नगर चंदौसी में बुधवार को परिवहन तथा यातायात विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए यातायात के नियमों के विरुद्ध वाहन चला रहे वाहनों को रोककर उनके चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस के द्वारा वाहनों पर यातायात के नियमों का पालन करने संबंधित स्टिकर लगाए। इसके अलावा यातायात पुलिस द्वारा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहन चालकों को सड़क पर सुरक्षित यात्रा हेतु यातायात नियमों की जानकारी दी गई। एआरटीओ प्रवर्तन अम्बरीश कुमार तथा यातायात निरीक्षक अनुज कुमार मलिक ने वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों के ब्रेक एवं टायर में हवा की नियमित जांच कराते रहें एवं वाहन की सभी लाइटें ठीक रखें, मोड़ पर हॉर्न अवश्य बजाएं तथा रात्रि में जो सहयोग करें नशे की हालत में वाहन न चलाएं, वाहन सीमित गति से निर्धारित लेन में चलाएं, यातायात संकेतों का पालन करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसके अलावा कोरोना से बचाव हेतु मुंह को मास्क से ढककर रखने के प्रति लोगों को भी जागरूक किया। इस दौरान एआरटीओ प्रवर्तन अमरीश कुमार, यातायात निरीक्षक अनुज कुमार मलिक अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर एआरटीओ प्रवर्तन अमरीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच मनाया जा रहा है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से हम लोग पर डे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आज तीसरे दिन हम लोग सीट बेल्ट हेलमेट के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके सद्भावनापूर्ण चेकिंग कर रहे हैं। चालान पर हमारा फोकस नहीं है, लोगों को मोटिवेट करना है। जो लोग सीट बेल्ट हेलमेट लगा रहे हैं उनको थैंक्स कहना है कि वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिससे लोगों को नियम पालन करने के लिए प्रेरणा मिल सके। नंबर दो, जो लोग नहीं धारण कर रहे हैं उनको हम लोग रोक कर समझा रहे हैं कि इसको ना लगाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। पूरा उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच हम लोग रोड सेफ्टी के विषय को वार्ता का विषय बनाएं, उसको लोग महत्वपूर्ण है कितना उसको समझाएं लोगों को, तो ये एक पहल है। और इसके अलावा जनपद संभल में हम लोग एक अलग प्रकार की पहल इस पूरे वीक में क्या उसके बाद भी हम लोग कर रहे हैं। पूरे माह भर हम लोग विभिन्न एजेंसी से सहयोग लेते हुए, NGO से सहयोग लेते हुए रिफ्लेक्टर्स हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, और हर प्रकार के वाहन जिसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं या ऐसे वाहन जिनमें नहीं लगा है, उनमें हम लोग लगवा रहे हैं, जिससे कोहरे के समय में हम लोग दुर्घटनाओं को रोक सकें। आप लोगों से भी अपील है कि अपने आसपास जितने लोग हैं, जो लोग इस तरह के कामों में जुड़ना चाहते हैं, हम लोग ने हर चौराहों पर उपलब्ध कराया है रिफ्लेक्टर। आप लोग भी कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी में अपने रखें। अगर आपको लगता है कि किसी गाड़ी से लड़ते लड़ते आप बचे, तो आप थोड़ा सा 2 मिनट का समय दें, गाड़ी साइड करें, उस रिफ्लेक्टर को उस गाड़ी में लगा लें। आप बच गए, हो सकता है दूसरा ना बच पाए, तो आपके उस प्रयास से ये भी होगा कि हम किसी की दुर्घटना से बचा सकेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब परिणाम मुझे अच्छे दिख रहे हैं संभल में, और बहुत सी ट्रैक्टर ट्रॉलीज में अब दिखने लगे हैं जो हम लोग लगवा रहे हैं और लोगों से उपयोग किया है।